पांड्या स्टोर के इस पॉपुलर एक्टर ने शोबीज को कह दिया है अलविदा। क्या यहाँ पर उन्होंने चुना है धर्म की राह? वेल, आपको बता दें कि 108 मंदिर के दर्शन करने निकले हैं ये पॉपुलर एक्टर। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। वेल, टीवी हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, आज के समय में कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस शोशेबाजी में बिलीव करते हैं, तो वही कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस जो है धर्म की राह पर निकल रही हैं और ऐसे कई सारे टीवी सेलिब्रिटी हैं। वेल, अब इनमें एक और नाम जुड़ चुका है। आपको बता दें कि पांड्या स्टोर फेम जो अक्षय खरूड़िया हैं, वो 108 मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। वेल, जैसे ही इस बात की जानकारी दी तो लोगों का मानना है कि अब अक्षय खरूड़िया जो है शोबीज की दुनिया को छोड़ चुके हैं। वेल, पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि वो 108 मंदिर के दर्शन पर निकल चुके हैं और अब धर्म की राह वो चुन चुके हैं, और जो 108 मंदिर के वो दर्शन करेंगे उसके पीछे की जो कहानियां होंगी वो फैंस के साथ वो बयां करेंगे। वेल, जैसे ही ये बात सामने आई तो एक मीडिया पोर्टल ने कनेक्ट किया अक्षय खरूड़िया को और उनसे कई सारे सवाल पूछे, जिसके बाद यहाँ पर अक्षय खरूड़िया है जो ये कहते हुए नजर आए इंटरव्यू के दौरान कि उन्हें बचपन से ही पौराणिक कथाओं में काफी ज्यादा रुचि रही है और जिसके चलते वो अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है। वेल, उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में उनके मम्मी पापा दादा दादी इस तरह की कहानियां सुनाते थे और वहीं यज्ञ हो या कथा हो उनमें ले जाया जाता था उन्हें, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आया और अब उन्हें फाइनली वो वक्त मिला है जिसके चलते वो 108 मंदिर के दर्शन करेंगे। वेल, अब ऐसे में यहाँ पर जब से ये स्टेटमेंट आया है तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो अक्षय खरूड़िया है वो शोबीज की दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हो चुके हैं। वेल, अब ऐसे में देखना ये होगा कि पहले तो अक्षय खरूड़िया 108 मंदिर के दर्शन पर तो निकल चुके हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई में शोबीज की दुनिया को छोड़ चुके हैं। वेल, क्या कहना है अक्षय खरूड़िया को लेकर आपको, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।